बॉलीवुड की धाकड़ एक्ट्रेस कंगना रनौत फिल्मों में अपना हाथ आजमाने के बाद अब पॉलिटिक्स में एंट्री लेने को तैयार है। जी हाँ, कंगना रनौत ने खुद इस बारे में हिंट देते हुए बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि कंगना हाल ही में श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने द्वारका गई थी और इसी दौरान एक्ट्रेस ने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर के बात कह दी। अगले साल यानी कि मई 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव होने की उम्मीद है। ऐसे में जब द्वारका पहुंची कंगना से मीडिया ने चुनाव लड़ने को लेकर के सवाल किया तो कंगना ने इसका खुलकर जवाब देते हुए कहा कि श्री कृष्ण की कृपा रहेगी तो लड़ेंगे। वही आपको बता दें कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेने द्वारका पहुंची कंगना ने आगे बीजेपी की काफी तारीफ भी की। एक्ट्रेस ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्रतिष्ठा इसको मुमकिन बनाने के लिए भी केंद्र सरकार को सहारा दिया गया है। इसी के साथ ही बीजेपी सरकार की कोशिशों की वजह से आज 600 सालों के स्ट्रगल के बाद हमें ये दिन देखने को मौका मिला है। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि हम धूमधाम से मंदिर को स्थापित करेंगे, सनातन धर्म का झंडा पूरी दुनिया में लहराना चाहिए। वही जानकारी के लिए आपको बता दें कि कंगना रनौत की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म एक्ट्रेस की फिल्म तेजस में दिखाई दी। वही आपको बता दें कि एक्ट्रेस की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। करीब 45 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म कलेक्शन के लिए बॉक्स ऑफिस पर काफी जद्दोजहद कर रही है। वही इसी के साथ ही कंगना अब अपनी फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। इमरजेंसी फिल्म भारत की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर बेस्ड है जो अगले साल रिलीज होगी। इस फिल्म में कंगना के अलावा अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े, महिमा चौधरी और मिलिंद सोमन भी नजर आएंगे।